हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन टेट। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 जुलाई 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो मैं कराने वाली हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC के एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है। तो इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है नितिन मेनन, ऑप्शन नंबर बी है करण पूरी, ऑप्शन नंबर सी आमिस त्रिपाठी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नितिन मेनन। हाल ही में नितिन मेनन को जो है ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है, और नितिन मेनन जो है तीसरे भारतीय एम्पायर है जिसको कि ICC के एलिट पैनल में जो है शामिल किया गया है। अब ICC के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। ICC जो है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है, और इसकी स्थापना जो है 1909 में हुई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में KK वेणुगोपाल को दोबारा भारत का अटॉर्नी जनरल जो है कितने समय के लिए नियुक्त किया गया है। तो KK वेणुगोपाल जो है इनको जो है अटॉर्नी जनरल का इनका जो कार्यकाल है उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स जो है KK वेणुगोपाल के बारे में जान लेते हैं। KK वेणुगोपाल जो है भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, और इनको भारत सरकार द्वारा भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण, इससे भी सम्मानित किया गया, और तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो पद्म भूषण है इससे भी सम्मानित किया गया। 2002 में इनको पद्म भूषण मिला था और 2015 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब कुछ अटॉर्नी जनरल के बारे में जान लेते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ये होते हैं चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके चीफ लीगल एडवाइज़र जो है वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, और इनकी जो नियुक्ति है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ सलाह पर भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे आर्टिकल 76(1) के तहत जो है नियुक्त करते हैं। और जो अटॉर्नी जनरल हैं ये सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार इनके पास होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनी महाजन। हाल ही में विनी महाजन जो है वो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव जो है नियुक्त की गई हैं। कुछ पंजाब के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। पंजाब जो है इसकी जो राजधानी वो है चंडीगढ़, और इसके प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री हैं वो है अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह जो है प्रेजेंट टाइम में पंजाब के CM है, और यहाँ के राज्यपाल जो प्रेजेंट टाइम में है वो है VP सिंह बदनौर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है इसने जो है क्रिकेट यहाँ की जो क्रिकेट बोर्ड है इसने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। और बांग्लादेश के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। बांग्लादेश जो है इसकी राजधानी जो है ढाका है, और इसकी करेंसी जो है टका है, और प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति है बांग्लादेश के वो है अब्दुल हुसैन, और यहाँ की प्रधानमंत्री जो है वो है शेख हसीना। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसे संप्रीति एक्सरसाइज कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है कि हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है किस राज्य में विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में जो है भारत का पहला लाइकेन पार्क या कवक पार्क जो है उसे विकसित किया गया है। अब कुछ पॉइंट्स उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड जो यहाँ की राजधानी जो है वो है देहरादून है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ की जो राज्यपाल है प्रेजेंट टाइम में वो है बेबी रानी मौर्य,
और जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है, जिसे कि पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और फ्लावर ऑफ वैली जो है ये भी उत्तराखंड में है, जबकि साइलेंट वैली जो है वो केरल में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है इसने प्रोजेक्ट प्लेटिना की जो है शुरुआत की है। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो मुख्यमंत्री है वो है उद्धव ठाकरे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। किस देश ने राष्ट्रीय स्मारक को जो नुकसान पहुंचाएगा उसको 10 साल तक का सजा का प्रावधान किया है। तो ये जो है अमेरिका ने हाल ही में किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन DC, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ की जो करेंसी है वो है अमेरिकन डॉलर। अमेरिकन डॉलर जो है यहाँ के प्रेजेंट टाइम में यहाँ की जो है करेंसी है। क्वेश्चन नंबर एट है कि हाल ही में गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है इसकी स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वडोदरा। हाल ही में वडोदरा में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है स्थापित की गई है। और जो गुजरात है यहाँ की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि माइकल मार्टिन जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री जो है हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो माइकल मार्टिन जो है हाल ही में आयरलैंड के जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आयरलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन। डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन है कि हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलावी। हाल ही में जो लाजर चकवेरा है वो मलावी के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। और जो मलावी है यहाँ की राजधानी जो है वो लिंगला गवा जो है यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है हाल ही में लाजर चकवेरा जो है चुने गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।